क्या गाजा युद्ध में पूरी तरह से तुर्की भी कूद पड़ा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि गाजा के अलमवासी में जब से हमास के 3 टॉप कमांडर्स को इजरायली सेना ने मारा है, उसके बाद से तुर्की के राष्ट्रपति ने इसराइल को धमकी देते हुए कहा कि तुर्की इसराइल से नरसंहार का बदला लेगा। इसराइल पर क्या होने वाला है, इसकी प्लानिंग बहुत खतरनाक बताई जा रही है। मार दिए 3 कमांडर, हमास का बदला लेगा तुर्की। क्या तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप तायिप अर्दोगान हमास के 3 कमांडरों की मौत का बदला इसराइल से लेने जा रहे हैं? दावा किया जा रहा है कि तुर्की ने इसराइल से दो टूक कह दिया है कि वो फिलिस्तीनियों के नरसंहार का बदला हर हाल में लेगा। जरा गाजा पट्टी का ये वीडियो देखिए। फिलिस्तीनियों के एक शिविर पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक इजरायली सेना ने की है। इस 8 सेकंड के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग तंबू वाले शिविर में अंदर की ओर जा रहे हैं, तभी एक मिसाइल उनके ऊपर आकर गिरती है और मौके पर मौजूद हमास के लड़ाके मारे जाते हैं। हम आपको एनिमेशन के जरिए पूरी खबर समझा देते हैं। क्यों तुर्की हमास के कमांडरों के मारे जाने से नाराज है और इसराइल ने कैसे हमास के 3 कमांडरों को मार डाला है। दावों के मुताबिक जिस वक्त हमास के 3 कमांडर गाजा पट्टी के अलमवासी शिविर में मौजूद थे, ठीक उसी वक्त इजरायली सेना ने अलमवासी शिविर पर हमला कर दिया। दावा किया गया है कि इजरायली हवाई हमले में हमास के 3 टॉप कमांडर मौके पर ही मारे गए, जबकि 40 से ज्यादा लोग ऐसे भी मारे गए जो शिविर के आसपास मौजूद थे। इजरायली सेना का दावा है कि इस हमले में हमास का कमांड सेंटर भी तबाह कर दिया गया है, जहां से पूरे गाजा में हमलों को कंट्रोल किया जा रहा था। अब आप हमास के उन 3 कमांडरों के नाम भी जान लीजिए जिनके मारे जाने से तुर्की बुरी तरह से बदला लेने पर उतारू हो गया है। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक दक्षिणी गाजा के रफा में हमास के तेल अल सुल्तान बटालियन के कमांडर महमूद हमदान और उनके साथी मारे गए हैं। पिछले 48 घंटे में इजरायली सेना के हमले में गाजा पट्टी में 67 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें लगभग 1 दर्जन के करीब हमास लड़ाके और उनके कमांडर मारे गए हैं। सबसे ताजा हमले में इजरायल ने 27 फिलिस्तीनियों को मार डाला है। खान यूनुस की एक इमारत में 13 लोग मारे गए हैं। इजरायली हमलों से सुरक्षित माने जाने वाले अलमवासी कैंप में इजरायल सेना ने सबसे भीषण हमले किए हैं। दावा किया गया है कि इजरायली सेना के इस हमले में हमास की हवाई इकाई के प्रमुख समर इस्माइल कादर अबू दक्का, हमास के सैन्य खुफिया मुख्यालय के प्रमुख ओसामा ताबिश और हमास के एक टॉप कमांडर ऐमान मबो को मार दिया गया है। मिडिल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अलमवासी में अमेरिका निर्मित MK-84 बमों से हमला किया है। 907 किलो के अमेरिकी MK-84 बमों से ही हमास के 3 कमांडर मारे गए हैं। इसराइल गजा की तरह ही अपने लड़ाकू विमान, मिसाइल, टैंक और बख्तरबंद वाहनों से पूरे वेस्ट बैंक में जबरदस्त हमले कर रहा है। इधर तुर्की शुरू से ही इसराइल को चेतावनी दे रहा है कि वेस्ट बैंक को गजा बनाने की जरा भी भूल मत करना, वरना तुर्की चुप नहीं बैठेगा। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तुर्की के हजारों सैनिक टैंक, तोप और लड़ाकू विमान जंगी तैयारी करने लगे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तुर्की सैन्य तौर पर इतना ताकतवर है कि तुर्की के इस्तांबुल से इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर हमला किया जा सके। तुर्की के राष्ट्रपति ने मिस्र के साथ मिलकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने इजरायल और अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। veya ilaç bulamadığı için ölen her masumun sorumlusu İsrail ve destekçileridir ve yakın dostluk bağlarına sahibiz. Birçok meselede benzer tutum ve hedeflere sahip olduğumuz Mısır'la istişarelerimizi güçlendirme noktasında kararlıyız. Ve konut alalu, ani hozer ve omer, toamim et mitve 27 bemay, şezakha letmicha amerikanit. Ani bakesh shuv leadgish, ha-Hamas ad lerega ze davek besarbanuto, o afilu lo shalach netzig lesichot bedoha. ולכן את הלחץ צריך להפנות לחמאס ולסינואר ולא לממשלת ישראל.
तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप तायिप अर्दोगान का ये बयान कई मायनों में हैरान करने वाला है। अभी तक नेटो देश तुर्की को लगता था कि अमेरिका इजरायली हमलों को रोकने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा, लेकिन अमेरिका ने उस वक्त अपना असली चेहरा तुर्की को दिखा दिया जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने दो टूक कह दिया। वेस्ट बैंक में इजरायली हमले में मारी गई तुर्की अमेरिकी महिला आयसेनूर अगजी ईगी की मौत महज एक इत्तेफाक है, वो गलती से हमले की जद में आ गई। यानी अमेरिका और तुर्की की दोहरी नागरिकता रखने वाली महिला एगजी ईगी की मौत पर राष्ट्रपति बाइडन ने इजरायल को ही क्लीन चिट दे दी। What's your reaction, sir, to the killing of the Israeli admission that they probably killed the Turkish activist in the West Bank? Find more detail. Apparently, it was an accident, ricocheted off the ground, and it got hit by accident. But I'm working that out now. 6 सितंबर को मारी गई अमेरिकी तुर्की महिला आयसेनूर एगजी ईगी को 6 सितंबर को उस वक्त इजरायली सेना ने सिर में गोली मार दी थी जिस वक्त वो फिलिस्तीनियों के पक्ष में प्रदर्शन कर रही थी। رصاصة في الراس طبعا تم اجراء اللازم من حيث اللي هي الاجراءات الاوليه معها اعطائها المدعمات الضغط وانه تاكدنا انه التنفس عندها تمام وتم نقلها بنجاح لمستشفى رفيديا ولكن للاسف يعني كان عندها نزيف شديد في الدماغ واشتغلوا معها استعني نف بيكم استعني المستشفى والله اسرائيل के खूंखार हमलों पर अमेरिका के दोहरे मापदंड को देखकर ही तुर्की अब इसराइल के खिलाफ खुलकर जंग के मैदान में कूद पड़ा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तुर्की के हजारों सैनिक टैंक तोप और लड़ाकू विमान जंगी तैयारी करने लगे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तुर्की सैन्य तौर पर इतना ताकतवर है कि तुर्की के इस्तांबुल से इसराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला कर सकता है। जानकारों के मुताबिक इसराइल के तेल अवीव से तुर्की के इस्तांबुल की दूरी लगभग 1200 किलोमीटर है। इतनी दूरी तक तुर्की आसमान से इसराइल पर अपने घातक TV2 ड्रोन फाइटर जेट और मिसाइलों से हमले कर सकता है। पहले आप ये जान लीजिए कि तुर्की और इसराइल की सैन्य ताकत में कौन बाजी मार रहा है। ग्लोबल फायर पावर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 145 देशों की सैन्य रैंकिंग की सूची में तुर्की 11वें स्थान पर है, वहीं इसराइल इस सूची में 18वें नंबर पर है। यानी तुर्की यहां इसराइल पर भारी साबित हो रहा है। तुर्की के कुल सैनिकों की संख्या 7,75,000 है, इसमें 2,00,000 रिजर्व सैनिक भी शामिल है। वहीं इसराइल के कुल सैनिकों की संख्या 6,46,000 है, इसमें रिजर्व सैनिकों की संख्या 4,65,000 है। तुर्की की सेना में कुल टैंकों की संख्या 2,229 है, वहीं इजरायली सेना में टैंकों की संख्या 2,200 है। तुर्की की सेना में कुल आर्मर्ड व्हीकल की संख्या 1,12,476 है, वहीं इजरायली सेना में आर्मर्ड व्हीकल की संख्या 56,290 है। तुर्की की सेना में खींचकर ले जाने वाली तोपों की कुल संख्या 1,938 है, तो वहीं इजरायली सेना में इन तोपों की संख्या सिर्फ 300 है। तुर्की की सेना में कुल रॉकेट आर्टिलरी की संख्या 516 है, वहीं इजरायली सेना में टोड आर्टिलरी की संख्या 300 है। इजरायली वायुसेना में कुल विमानों की संख्या 601 है, वहीं तुर्की की वायुसेना में कुल विमानों की संख्या 1,065 है। वहीं इजरायली नौसेना के पास कुल नौसैनिक पोत की संख्या 67 है। तुर्की की नौसेना में 16 फ्रिगेट शामिल है, वहीं इजरायल के पास एक भी फ्रिगेट नहीं है। तुर्की के पास कुल 205 लड़ाकू विमान है, उनमें एक भी हमलावर विमान नहीं है। वहीं इजरायल के पास 241 लड़ाकू विमान 32 हमलावर विमान है। 2 साल में खत्म होगा इसराइल, ट्रंप की भविष्यवाणी। आंकड़ों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि इजराइल की तुलना में तुर्की सैन्य लिहाज से जरा भी कमजोर नहीं है। इस वक्त तुर्की मिस्र, ईरान, लेबनान और सीरिया जैसे देशों को एकजुट करने में लगा है। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान गाजा, लेबनान और सीरिया पर हो रहे इजरायली हमलों को लेकर कई गुप्त प्लान बना चुके हैं। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि नेटो के कई देशों को पुतिन ने अपनी तरफ मिला लिया है। पुतिन के इस मिशन को पूरा करने में तुर्की का भी बड़ा हाथ माना जा रहा है। नेटो देश होने के बावजूद तुर्की के संबंध रूस से जबरदस्त हैं। यही वजह है कि तुर्की रूस के इशारे पर इसराइल को गंभीर चेतावनी देने लगा है। 41,000 के करीब अब तक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में गाजा युद्ध और पूरे मिडिल ईस्ट को लेकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच भयंकर जुबानी जंग चल रही है। ट्रंप ने तो दो टूक कह दिया है, कमला हैरिस इसराइल से नफरत करती हैं और अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति का चुनाव जीत गईं, तो 2 साल में इसराइल का वजूद खत्म हो जाएगा। पब्लिक डिबेट में ट्रंप का ये हैरान करने वाला बयान इसराइल के लिए गंभीर खतरे की घंटी है। But when she mentions about Israel, all of a sudden
She hates Israel. She wouldn't even meet with Netanyahu when he went to Congress to make a very important speech. She refused to be there because she was at a sorority party of hers. She wanted to go to the sorority party. She hates Israel. If she's president, I believe that Israel will not exist within 2 years from now. And I've been pretty good at predictions, and I hope I'm wrong about that one. She hates Israel. ट्रंप के बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल गाजा युद्ध में बुरी तरह से फंस गया है। अब तो नेटो देश तुर्की भी इसराइल से दो दो हाथ करने को तैयार है। अब ऐसे हालात में भी इजरायली सेना गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इधर खबरें ये भी आ रही हैं कि नेतन्याहू ने अपने टॉप कमांडरों को साफ समझा दिया है कि अगर हम सीज फायर करते हैं तो दोबारा जिंदा और अपनी ताकत हासिल करने का मौका मिल जाएगा। इसीलिए इसराइली सेना ने पिछले 8 दिनों से गाजा और वेस्ट बैंक में हमले तेज कर दिए हैं।